कुलभूषण शरण सिंह की रैली हुई स्थगित। अयोध्या में होने वाली जन महाचेतना रैली को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और 5 जून को होने वाली जन चेतना रैली स्थगित की गई है। संत सम्मेलन किया गया स्थगित, तो कोर्ट का सम्मान करते हुए रैली को रद्द किया गया, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो गलत आरोप लगाए गए हैं, ब्रजभूषण ने साफ तौर पर कहा, और मैं किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार हूं। लगातार वो जिस तरीके से बात अपनी रखते आ रहे हैं, और इस बीच कोर्ट का सम्मान करते हुए रैली को रद्द किया क्योंकि प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली। तो मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, आरोपों को, तमाम सारे आरोपों को लगातार किस तरीके से निराधार बता रहे, सार्वजनिक मंचों से भी वो हर तरीके से जांच के लिए भी अपनी बात रख रहे हैं। और अयोध्या में होने वाली फिलहाल जो जन महाचेतना रैली जो होने वाली थी, जिसमें साधु संत भी बड़ी संख्या में जुड़ने वाले थे, उसको लेकर के अब वो सम्मेलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो 5 जून को फिलहाल जन चेतना रैली आपके समर्थन के साथ पिछले 28 वर्षों से लगातार एकजुटता, वर्तमान स्थिति में राजनीतिक जो समरसता की जिस तरीके से बात की जा रही थी, जो उन्होंने पत्र लिखा, उसमें भी लगातार बात एक ही कही कि वो हर तरीके की जांच के लिए और जांच में सहयोग के लिए तैयार हूँ, और दोषी पाया जाता हूँ तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ। ये बात ब्रजभूषण सिंह लगातार कह रहे हैं। तो अयोध्या में फिलहाल उन्हीं की एक महाचेतना रैली, जिसमें बड़ी संख्या में उन्होंने कहा था कि जो उनके समर्थक हैं वो किस तरीके से जुटेंगे, लेकिन प्रशासनिक फिलहाल अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते फिलहाल जो जनचेतना रैली थी उसको स्थगित कर दिया गया। और इस बीच लगातार उनका मेरे ऊपर जो गलत आरोप लगाए गए हैं, मैं हर तरीके की जाँच में सहयोग के लिए तैयार हूँ। तो अयोध्या में होनी थी ये महाचेतना रैली, तो बड़े पैमाने पर इसमें बड़ी संख्या में लोग फिलहाल जुटाने का दावा किया था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था इसमें जो मेरे समर्थक होंगे, जो साधु संत होंगे, वो सब मेरे समर्थन में आगे आएंगे और इसमें लाखों की जो भीड़ होगी, लेकिन फिलहाल जो प्रशासनिक अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते इसको रद्द करना पड़ा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी रूपेश श्रीवास्तव। रूपेश, एक महाचेतना रैली को लेकर के ब्रजभूषण सिंह ने बड़े बड़े दावे किए थे कि वो भीड़ भी जुटाएंगे, लेकिन प्रशासनिक अनुमति ने, क्या कुछ वजह बताई जा रही है? देखिए, बता दें आपको, जिस तरह से 11 मई से धारा 44 यहाँ लगा है अयोध्या में, उसको देखते हुए प्रशासन से कल वार्ता हुई थी सर्किट हाउस में, लेकिन बात बन नहीं पाई। इसको लेकर के आज जो है, जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह ने अपने जो है फेसबुक जो है पोस्ट पे जो उन्होंने डाला है कि जिस तरह से जो इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, उसको देखते हुए वो जो है एक जनसभा जनचेतना रैली करने वाले थे, उसमें साधु संतों को इकट्ठा करने वाले थे, वो उसमें जो आरोप लगे हैं उनको उसके बारे में बताने वाले थे। लेकिन जिस तरह से अयोध्या में जो है 11 मई से जो है धारा 44 लगी हुई है, उसको तक लगाई गई है, उसको लेते हुए जो है प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी है, इसकी वजह से कार्यक्रम उनका स्थगित कर दिया है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया है, उसमें ये बताया है कि जिस तरह से वो कई सालों से जो है शासन में बने थे और जो है बगाड़ा जो है लोगों को मदद किया, सब कुछ किया, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप को उन्होंने खारिज करते हुए बताने की कोशिश किया, करने की कोशिश कर रहे थे कि जो आरोप लगाए गए हैं वो मेरे पास ठीक नहीं है। तो इसलिए जो साधु संतों, उसने भी अभी कुछ दिन पहले जो है अयोध्या में एक जो है प्रेस वार्ता की थी, उसमें भी इन्होंने संतों ने भी उनका सपोर्ट देते हुए कहा था कि जो है जो आरोप लगाए गए हैं वो ठीक नहीं उनके ऊपर है, अगर आरोप लगाए गए हैं तो उसका सिद्ध करके बताएं। तो उसको देखते हुए ये 5 जो मई को जो है जनचेतना रैली जो है अयोध्या राम कथा पार्क हुई थी, उसको स्थगित कर दिया गया है और जो है अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है, ये बात उन्होंने पोस्ट किया है अपने फेसबुक पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए रूपेश।